We have two types of coaches, LHB AC and LHB non-AC. In LHB technology, we have divided our failures in three categories. First is AC less cooling. Second is supply failure, and third is passenger MAT items. In these three, second type failure, supply failure. If there is a supply failure, then both AC less cooling and passenger MAT failure can occur. First of all, we discuss about AC less cooling. In AC less cooling, there are many reasons. First, leakage. Second, choking. Third one is HP rise. Fourth one is air loss. Low suction pressure. Compressor reverse rotation. Second slide, please. Next slide. Reasons: leakage in system, choking, HP rise, compressor reverse rotation, compressor internal drift, low pressure, air loss, CPU defective. These are common reasons. इससे ज़्यादा भी reasons हो सकते हैं, but ये common reasons हैं AC less cooling के. AC less cooling या हम कह सकते हैं AC is not working means temperature, the comfortable temperature in coach is not there. थोड़ा सा आ गया. Reasons for supply failure. Before starting supply failure, हम ये जानेंगे कि पहले जो सप्लाई होती थी वो पहले ईओजी सिस्टम था. आज ईओजी सिस्टम एचओजी टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो गया है. मींस पहले सप्लाई जनरेटर कार से आ रही थी, वो अब हमारा 25 केवीए ओएचई के थ्रू, लोको के थ्रू हमारे कोचेज में आती है. अब जो 750 की सप्लाई है उसका फेलियर, कोच के अंदर जब सप्लाई आती है तो वो 750 से कन्वर्ट होके 415, 220 इवन डीसी 24 वोल्ट 110 वोल्ट में हम कन्वर्ट करते हैं अपने इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए. तो मेन जो मतलब पॉइंट्स हैं, सबसे पहला है सिंगल फेजिंग. हमारा जो सिस्टम है वो थ्री फेज फोर वायर सिस्टम है. अगर एक फेज नहीं आ रहा है तो हमारे जो इक्विपमेंट हैं वो वर्क नहीं करेंगे, तो हमारा ये एक कारण बनेगा फेलियर का. सबसे स्टार्टिंग में एचओजी या ईओजी जो भी सप्लाई हमारे रैक में आ रही है, अगर सोर्स से ही सप्लाई नहीं मिल पाएगी, कोई भी दिक्कत होगी, तो हमारा जो है ये फिर कारण बनेगा नॉन वर्किंग ऑफ इक्विपमेंट. रैचेट, ZX कपलर, जंक्शन बॉक्स. तो सप्लाई जनरेटर कार से शुरू होके या सोर्स से शुरू होके हमारे कोचों में आती है, वो थ्रू रैचेट, ZX कपलर और रैचेट एंड ZX कपलर का जंक्शन बॉक्स. यहाँ पे कोई भी फेलियर हो सकता है जिसकी वजह से हमारे कोच को सप्लाई ना मिल पाए. फिर उसके बाद आरवीसी, ईवीसी, मोनोब्लॉक बैटरीज. ये डीसी फेलियर, जो डीसी इक्विपमेंट है
हमारी लाइट्स हैं, हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो डीसी सप्लाई से चल रहे हैं, तो अगर इन तीनों पार्ट्स का कोई फेलियर होगा तो हमारे डीसी इक्विपमेंट नहीं चल पाएंगे। 60 KVA ट्रांसफार्मर, जब ZS कपलर रैचेट के थ्रू सप्लाई कोच के अंदर आ जाती है तो ये सप्लाई DND डिवाइस पे पहुंचती है, जो हमारा 6th 1, जो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया DND डिवाइस, इसको बोलते हैं डिस्कनेक्टिंग एंड अर्थिंग डिवाइस। ये एक सिंपल 120 एम्पियर की रोटरी है जो दोनों ही फीडर्स को कोच के अंदर भेजती है। तो जब ये सप्लाई आ जाती है DND डिवाइस के थ्रू, तो ये 60 KVA ट्रांसफार्मर पे 750 वोल्ट सप्लाई, 60 KVA ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टार स्टार होता है, उसके थ्रू कोच के अंदर पैनल में आती है, जिससे हम जो है सारे इक्विपमेंट्स को रन कर पाते हैं। तो अगर 60 KVA ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, तब भी सप्लाई फेलियर होगा, उससे हमारे इक्विपमेंट्स नॉन वर्किंग में आएंगे। DND डिवाइस ये टोटली खराब हो जाएगी तो हमारे सारे इक्विपमेंट नहीं चल पाएंगे। इसके बाद है फ्यूजेस एंड स्विचगेयर, तो हमारे पैनल के अंदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को चलाने के लिए, सेफली रन करने के लिए हमने फ्यूजेस एंड बहुत सारे स्विचगेयर जिसमें रिलेज भी हैं वो लगा रखी हैं। अगर उनमें कोई डिफेक्ट आएगा तो एक बहुत बड़े फेलियर को क्रिएट कर सकता है। तो हमें अब हम एक एक करके अब नेक्स्ट लेक्चर फेलियर ऑफ पैसेंजर एमएटी आइटम। एनएच कोचेज के अंदर, एसी कोचेज के अंदर जो हमारा पैसेंजर एमएटीज है, जिसे डायरेक्ट पैसेंजर यूज कर रहा है, वो हमारे चार हैं, रीडिंग लाइट, मोबाइल ऑब्लिक लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट, लाइट्स एंड वाटर पंप। अगर ये चारों इक्विपमेंट नहीं चलते हैं तो हमारी कंप्लेंट पैसेंजर एमिनिटी आइटम्स की होती है। इन चारों को भी हमें एंश्योर करना है कि हम अब फेलियर्स को हम तीन तरीके से देख सकते हैं, पैसेंजर एमिनिटी आइटम्स प्लस लैच कूलिंग। जो सप्लाई फेलियर है 750 वोल्ट, 415 या डीसी, वो इन दोनों फेलियर्स को क्रिएट करता है। तो हमें सबसे पहले हमारी सप्लाई सिस्टम को चेक करना है, जब भी हमारी गाड़ी प्राइमरी एंड से या सेकेंडरी एंड से डिपार्चर हो रहा है, ऑन रन हमारा सप्लाई फेलियर होता है, तो इन दोनों ही चीज़ों को क्रिएट करता है। तो हमें धीरे धीरे हमें क्या क्या चेक करना चाहिए, एक्चुअल जो फेलियर्स हुए ऑनलाइन, जो भी फेलियर्स होते हैं उन फेलियर्स के बाद जो हमें पॉइंट्स मिलते हैं उसको हमने कैटेगराइज किया हुआ है। एसी लैच कूलिंग, उसका पहला पॉइंट था हमारा लीकेज का, लीकेज लीकेज होगा तो लैच कूलिंग, मेन फेलियर है लैच कूलिंग या लो कूलिंग, तो लीकेज है। लीकेज कहाँ कहाँ हो सकता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट साइकिल है, रेफ्रिजरेंट साइकिल में आप देखेंगे कि कहीं भी दो साइड हम मान सकते हैं, सक्शन ऑब्लिक डिस्चार्ज या लो साइड ऑब्लिक हाई साइड, इन दोनों साइड में कहीं भी लीकेज होता है तो वो लैच कूलिंग को क्रिएट करता है। अब ये रीजन जो लीकेज के हैं क्या क्या हो सकते हैं, जो रीजन हैं, जो हमारा हैवी वाइब्रेशन इन RMPU, यानी कि हमने जो RMPU रखा है, जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, सबसे पहले RMPU का फिक्सचर जो हमने रखा है, हमने जो उसके लिए पैड्स, एंटी वाइब्रेशन पैड्स का इस्तेमाल कर लगाने चाहिए, वो हमारे प्रॉपर लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, या हमने जो अपने कंप्रेसर या जितने भी इक्विपमेंट्स हैं एसी यूनिट के, हमने प्रॉपर क्लैंपिंग उनकी की हुई है, फिक्सिंग ऑफ RMPU इक्विपमेंट, अगर वो नहीं है तो वो हमें प्रॉपर देखनी है। हमने अपने जो शेड्यूल्स हैं, हमने अपने मेंटेनेंस को तीन पार्ट, तो मतलब शेड्यूल्स में बांट सकता है, D1, D2, D3 एंड SS1 एंड POS। तो हर जगह पे हर शेड्यूल के हिसाब से जो हमारी एक्टिविटीज हैं उनमें इन पॉइंट्स को हमें नजर रखना है, चेक करना है। तीसरा है डिजाइन प्रॉब्लम, अगर हमारा कोई फेलियर रेगुलर क्रिएट हो रहा है तो उस फेलियर को हम, मतलब जो डिजाइन प्रॉब्लम भी हमें कई सारी मिल जाती है,
दूसरा पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल। अगर क्वालिटी ऑफ मटेरियल, जैसे हमने कोई लीकेज रिपेयर किया तो हमारा जो ब्रेजिंग रॉड है अगर वो प्रॉपर क्वालिटी का नहीं होगा या RDSO अप्रूव नहीं है तो हमारी ब्रेजिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो ये कहीं ना कहीं एक टाइम ड्यूरेशन के बाद हमारा लीकेज दोबारा से हो जाएगा। इस तरह से जो जॉइंट्स हैं अगर मटेरियल ठीक नहीं है तो जगह जगह लीकेज आएंगे जिससे लेस कूलिंग क्रिएट होगी। और सबसे लास्ट पॉइंट आता है जो हमेशा हमें बताया जाता है, पुअर वर्कमैनशिप। अगर सब कुछ सही है और हमारा जो चेक मतलब उसको मेंटेनेंस स्टाफ है अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है या जिसने पिक लाइन के अंदर ब्रेजिंग की वो ब्रेजिंग प्रॉपर नहीं की तो हमारा लीकेज क्रिएट हो गई होगा और हमारा पैसेंजर कंप्लेंट ड्यूरिंग रन होनी ही होनी है। इसके लिए तो हमारा सुपरवाइजर या SSC एंड चीज है उनको अपनी वर्क टाइमशिप को प्रॉपर चेक करना है कि हमारा काम प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें हर लेवल पे चेक करना है। इसके अलावा लोकेशन ऑफ लीकेज इन LHVAC यूनिट। अब लोकेशन क्या क्या हो सकती है, मेनली लीकेज तो देखने का एक तरीका है जब हम उसे चेक करेंगे, लेकिन नॉर्मली जो हमारे लीकेज के पॉइंट्स हैं वो डिस्चार्ज लाइन, कंडेंसर कॉइल, लिक्विड लाइन, स्ट्रेनर कम कैपिलरी एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर कॉइल, सक्शन लाइन, के बाद चार्जिंग वाल्व, हैंड शट ऑफ, इसको बोलते हैं हैंड शट ऑफ वाल्व, और इसके बाद लास्ट पॉइंट है HP LP कटआउट। ये हमारे सारे लोकेशंस हैं जहाँ नॉर्मली हमें लीकेज मिल जाता है। तो इन एरियाज को हमें प्रॉपरली चेक करना है अपने ड्यूरिंग D1 शेड्यूल जो हम मेंटेनेंस कर रहे हैं कि इस जगह पे हम रेगुलर चेक करेंगे तो हमारी लीकेज की प्रॉब्लम जो ड्यूरिंग रन हो सकती है उसको हम बचा सकें। अब डिस्चार्ज लाइन, इस मतलब जो है आप तो, मतलब जो ये पिक्चर दिखाया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि डिस्चार्ज लाइन की लोकेशन ये है। ये जो पतला पाइप है वो डिस्चार्ज लाइन है। जो हम इसको देखते हैं कि हम अपना डिस्चार्ज लाइन के साथ साथ तो काफी सारे पॉइंट्स हैं डिस्चार्ज लाइन, हमारे कंप्रेसर से शुरू होके कंडेंसर तक जाती है तो उसमें इस तरह के पॉइंट्स भी होते हैं। आप वीडियो देखेंगे, ये वीडियो चल रहा है कि हम किस तरीके से लीकेज टेस्ट कर रहे हैं। जहाँ हमें लीकेज मिला वहाँ पे हमने सोप, लिक्विड सोप लगाया और फिर हम उसको चेक कर रहे हैं तो जिस जगह पे लीकेज है वहाँ पे हमें बबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो आफ्टर चेकिंग हम इसे रिपेयर करेंगे, दोबारा से लीकेज टेस्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट है कंडेंसर कॉइल, यहाँ भी हमें लीकेज मिलती है। इस फोटो में आप देख रहे हैं ये बहुत सारा ऑयल आया हुआ है, तो ये एक बड़ा लीकेज है। ये लीकेज नॉर्मली हम जब इंस्पेक्शन करेंगे अपने यूनिट का तो ये साफ साफ दिखाई दे जाता है। तो ये एक 14-31-63 पोस्ट का शताब्दी का, इसमें हमें जो है कंडेंसर कॉइल में लीकेज मिला। ये कंडेंसर कॉइल का फोटो दिखाया गया है, ये कंडेंसर कॉइल है और इसमें जब लगी हुई थी यूनिट के अंदर ये इंस्टॉल है तो इस एरिया में हमें लीकेज मिला। अब हम कंडेंसर में हमें लीकेज मिलता है तो हम क्या करते हैं, कंडेंसर कॉइल को हम जो है रिमूव कर लेते हैं यूनिट से। रिमूव करने के बाद हम प्रेशर देने के बाद हम उसका लीकेज चेक करते हैं, जिसका ये वीडियो दिखाया गया है। तरीका लीकेज चेक करने का वही है कि हम सोप लगाएंगे उस पार्ट पे और जगह जगह पे हम जो हमें प्रोबेबल एरियाज हैं उसके वहाँ पे लगा लगा के चेक करेंगे कि जिससे ये लीकेज हमें पकड़ में आए और हम प्रॉपर रिपेयर करें।
नेक्स्ट स्लाइड। तो सक्शन लाइन लीकेज, तो हमारा जो पाइपलाइन है वो सक्शन वाली डिस्चार्ज वाली से थोड़ा सा पतली होती है, और ये जो एरिया दिखाया गया है कुछ जो हमारे कोचेज हैं यहाँ हमें जो लीकेज मिलती है 15, 31, 67 PP 1.1। जैसे बहुत से लोग जो यहाँ पे हैं प्रेजेंट, कई जगह पे NHB कोचेज नहीं होंगे, तो पहले जो हमारी ICF टेक्नोलॉजी थी उसमें CP1 CP2 यूनिट 1, CP1 CP2 यूनिट 2 बोलते थे, लेकिन NHB में चारों कंप्रेसर को अलग अलग नॉमन क्लेचर दिया गया है, CP1.1 CP1.2 CP2.1 CP2.2। और 1.1 का मतलब है यूनिट 1, और 2.1 2.2 का मतलब है यूनिट 2। लिक्विड लाइन लीकेज, लिक्विड लाइन कंडेंसर से लेकर आगे हमारा ड्रायर फिल्टर प्लस हमारा जो है कूलिंग एक्सटेंशन वाल्व से पहले तक की लाइन हम लिक्विड लाइन बोलते हैं। इसमें एक साइड ग्लास भी लगा रहता है जिससे हमें जब यूनिट चलता है तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है वो भी हम देख सकते हैं। ये सारे लिक्विड लाइन में, जैसे ये वाल्व है लिक्विड लाइन वाल्व, लिक्विड लाइन एंड सेट ऑफ वाल्व, ये भी इसलिए दिए गए हैं कि कई बार हमें रिपेयर के टाइम पे गैस को एक पार्ट में कंडेंसर एरिया में हमें ब्लॉक करना होता है, कि जिससे हम जो है गैस को मतलब एनवायरनमेंट में निकाले बगैर हम रिपेयर कर लेते हैं उस पार्ट को, प्रॉपर नाइट्रोजन प्रेशर दे के पूरा चेक करके दोबारा से सिस्टम को हेल्दी करते हैं। तो ये सेट ऑफ वाल्व यहाँ दिए गए हैं, तो इनमें भी लीकेज हमें कई बार मिलता है। एवेपोरेटर कॉइल, इसको कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं। तो हमने जैसे कंडेंसर कॉइल में लीकेज था, इसी तरह से कूलिंग कॉइल में भी जगह जगह इसमें यू है, तो यूज है उनमें हमें लीकेज मिलता है। ये 15, 31, 60 CP2.2। CP2.2 सिर्फ ये डिफाइन करने के लिए कि ये कूलिंग कॉइल इस यूनिट में इस पार्ट की है, तो CP2.2 की जो कूलिंग कॉइल है उसमें ये हमें मिला। इसके बाद एक्सटेंशन वाल्व या हम कैपिलरीज, दो चीजें इस्तेमाल करते हैं, इन कैपिलरीज में भी हमें लीकेज मिल जाता है। दूसरा ये गैस चार्जिंग वाल्व है, कई बार पुअर वर्कमैनशिप है, गैस डालने के बाद चार्ज करने टॉप अप करने के बाद चार्ज करने के बाद हमारा ये पार्ट लीक होने का चांस रहता है, तो हमें इसे प्रॉपर चेक करना चाहिए, टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए, जिससे हम लीकेज के केसेस को रोक सकें। कंप्रेसर लीकेज, कंप्रेसर लीकेज, कंप्रेसर में लीकेज, एक्चुअली इसमें हमें जो फेलियर मिला है अब तक, इसमें जो मेन फेलियर है इसका बेस का गल जाना, ये डिजाइन फेलियर हमें डिजाइन प्रॉब्लम भी हो सकती है कि हमें इस तरह का नीचे से बेस पूरा हमारा गला हुआ मिलता है कई बार, क्योंकि नीचे मतलब पूरा मतलब जो है जब हम कंडेंसर या कुछ भी या इवन रेनी सीजन में हमारा जो है पूरा वाटर लॉग हो जाता है वहाँ पे, तो जिस तरह की पोजीशन में इसको मतलब लगाया गया है तो वहाँ पे इस तरह का फेलियर हमेशा मतलब कई बार देखने को मिला है। लेकिन कंप्रेसर के अपने आप पे, क्योंकि कंप्रेसर खराब भी होता है तो उससे भी कहीं ना कहीं हमें एक फेलियर मिलता है लेस कूलिंग का, क्योंकि यूनिट में कोई भी पार्ट
काम नहीं करेगा तो हमारा नॉर्मली लैस कूलिंग की कंप्लेंट हमें मिलेगी। तो कंप्रेसर में मेन पॉइंट्स हैं कंप्रेसर बेस लीक, दूसरा है कंप्रेसर जैम, तीसरा कंप्रेसर ओपन सर्किट, चौथा कंप्रेसर शॉर्ट सर्किट, तीसरा है कंप्रेसर इंटरनल ट्रिप, छठा है पुअर एफिशिएंसी या हम कह सकते हैं लेस एफिशिएंसी। जो प्रॉपर सक्शन और सक्शन के बाद डिस्चार्ज जो प्रेशर है अगर वो मेंटेन नहीं हो रहा है तो इट मींस उसकी एफिशिएंसी निल हो गई है। और जब कंप्रेसर की एफिशिएंसी निल हो जाएगी तो जो हमें रिक्वायर्ड कूलिंग है कोच के अंदर जो टेम्परेचर है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे और हमारी फेलियर एक क्रिएट हो जाएगा लेस कूलिंग का। कंप्रेसर इंटरनल ट्रिप, इसके अंदर एक्चुअल जो आज हमारे स्टॉल कंप्रेसर आते हैं तो उसमें कंप्रेसर में अंदर स्टॉल्स होते हैं और एक रिले लगी होती है, हाई मेटेलिक रिले होती है, जो तो कई बार बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से या हमने कई बार हमारे वर्कमैनशिप में प्रॉब्लम रही कि हमने प्लांट ऑन किया और हमने कहीं कंडेंसर को ऑन नहीं किया, कंडेंसर हमारा ऑन नहीं है, उस केस में भी हमारा कंप्रेसर इंटरनल ट्रिप हो जाता है। दो चीज़ें आती हैं, एक है इंटरनल ट्रिप और एक है ओपन सर्किट, कंप्रेसर ओपन सर्किट। कंप्रेसर ओपन सर्किट हमेशा थ्री फेज में एक एक्सपीरियंस है कि अगर हमारा कंप्रेसर ओपन सर्किट है तो उसकी एक या दो वाइंडिंग ओपन ओपन मिलेंगी, लेकिन कंप्रेसर इंटरनल ट्रिप को जब हम चेक करेंगे, नीचे चेक करेंगे उसकी वाइंडिंग, तो हम देखेंगे कि तीनों की तीनों ओपन शो कर रहा है। उस केस पे हमें कोशिश करनी है कि हमारा प्लांट टाइमली मतलब जब ऑन हो रहा है तो उसका प्रोसीजर है कि कंप्रेसर ऑन होने से पहले कंडेंसर ऑन रहने चाहिए। हमें अपना प्लांट एक्चुअली ऑटो पे चलाना है। उसके अलावा अगर सिंगल फेजिंग भी होती है तो कंप्रेसर इंटरनल ट्रिप होने के चांसेस रहते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है कि बहुत सारे फेलियर्स को देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद ये पॉइंट्स मिले हैं कि इस तरह से हमें कंप्रेसर से रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम्स हमें यहाँ मिलती हैं। एक और पॉइंट इस स्लाइड पे बात करेंगे, इससे पहले एक और पॉइंट था कंप्रेसर रिवर्स रोटेशन। हमने जब कंप्रेसर को इंस्टॉल किया उस टाइम पे हमने जो उसके कनेक्शन फेज जो हमारा RYV है, RYV ना कनेक्ट करके हमने RB और Y कर दिया, जिससे उसके रोटेशन जब रोटेशन उल्टे होंगे तब भी हमें लेस कूलिंग मिलेगी। तो हमें इस दौरान लीकेज, ये इसका मतलब पॉइंट्स बनाए गए हैं कि हमें लीकेज रिपेयर के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो हमें नोटिस में होने चाहिए। एक्चुअली सबसे जो बैकबोन है वो SSC JEE, इन्हें हम सुपरवाइजर भी बोलते हैं, लेकिन जो SSC JEE हैं जो उस वर्क को सुपरवाइज कर रहा है जब लीकेज के केसेस रिपेयर कर रहे हैं, एक्चुअली बैकबोन है सिस्टम में। क्योंकि हमारा पुअर मेंटेनेंस या हमें जो हम मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रॉपर है या नहीं है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए हमारा सबसे पहला पॉइंट हमने बनाया है मेंटेनेंस सुपरवाइजर विल बी प्रेजेंट पर्सनली एंड एग्जामिन दैट रिपेयरिंग वर्क हैज बीन कैरिड आउट परफेक्टली। सेकेंड पॉइंट इसमें है टू अटेंड लीकेज केसेज, रिपोर्ट शुड हैव ऑल द रिक्विजिट टूल्स एंड प्लान, मशीनरी स्पेयर लाइक गैस वेल्डिंग सेट, प्रॉपर पाइप ऑफ डिफरेंट साइजेस, ब्रेजिंग रॉड एक्सेट्रा। हमारा TNP एंड हमारे स्पेयर हमारे स्टोर का सारी चीज़ें प्रोवाइडेड होनी चाहिए जब हम इसको कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास प्रॉपर टूल्स नहीं होंगे तब भी हमारा वर्क या जो लीकेज रिपेयर हम कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और फिर उसके बाद कुछ ही समय के अंदर दोबारा रिपीटिशन ऑफ केसेस कि हमारा कोच अभी हमने स्टिक किया रिपेयर के लिए और रिपीटेड वो कोच फिर आएगा तो प्रॉब्लम खत्म नहीं हो पाएगी। तो हमें अपना मतलब जो है जो स्ट्रेटजी है एक्शन टेकन कि भविष्य में हमारा इस तरह केस ना हो, उसके लिए हमने ये पॉइंट्स हैं सारे।
तीसरा पॉइंट है मेंटेनेंस टीम शुड ऑल्सो फाइंड द रूट कॉज ऑफ लीकेज एंड मेंटेन द रिकॉर्ड्स प्रॉपरली आफ्टर एनालाइज द केस। हम धीरे धीरे एक जो है इसको अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग नाम दिया गया है, कोई फेलियर एनालिसिस बोलता है, कोई काइजन रजिस्टर बोला जाता है हर जगह पे, लेकिन हमें अपना जो है एनालिसिस रूट कॉज, हमने क्या वर्क किया उस वर्क के दौरान, हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमें एक्शन प्लान क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट टाइम, उसको प्रिपेयर करके अगर हम करेंगे तो हमारे फेलियर हम जीरो फेलियर हम अचीव कर सकते हैं। तीसरा है, चौथा है स्पोर्ट इक्वल एंड बबल फ्री ब्रेजिंग शुड बी डन ऑन ज्वाइंट्स टू अवॉइड रिकरेंस ऑफ सच फेलियर। होता क्या है, जो हम ब्रेजिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आता है वर्कमैनशिप, ब्रेजिंग कर रहा है उसको देखना है कि वो स्मूथ होनी चाहिए, कि अगर हम उसको देखें तो हमारे दोनों पाइप जिन्हें हमें ज्वाइंट किया जा रहा है उसमें ऐसा ना लगे कि कुछ बीच में एक्स्ट्रा मटेरियल उसके उन दोनों पाइप के ऊपर लगाया गया है। जब हमारी बबल फ्री या बिल्कुल प्रॉपर प्लेन सरफेस में हमारी ब्रेजिंग होगी तो ये रीअकरेंस ऑफ फेलियर या रिपीटेड फेलियर हमें नहीं मिलेगा। आफ्टर कैरिड आउट ब्रेजिंग वर्क एसी यूनिट मस्ट बी एग्जामिन्ड बाई गोइंग थ्रू प्रेशर टेस्ट विद नाइट्रोजन एंड वैक्यूम टेस्ट एंड देन चार्ज रेफ्रिजरेंट विद एडिक्वेट क्वांटिटी इन द एसी सिस्टम। इस चीज का ये तो एक एफएमआई है कि हमें एक लीकेज रिपेयर करने के बाद हमें अपने यूनिट में कैसे गैस डालनी है, वैक्यूम भी करना है, उसके बाद नाइट्रोजन प्रेशर को चेक करना है, उसकी टाइमिंग है कि हमें इतनी देर इसको वैक्यूम टेस्ट मतलब वैक्यूम पे लगा मतलब पोच को रखना है, फिर उसके बाद हम नाइट्रोजन प्रेशर चेक करेंगे, उसके बाद हम इसमें रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे। इसके बाद भी एक पॉइंट आता है कि हम अपने कोच का टेम्परेचर प्रॉपर 1-2 घंटे मॉनिटर करें कि क्या जो हमें टेम्परेचर हमें मिल रहा है जो पैसेंजर को चाहिए क्या हम उसको मतलब अचीव कर पाए हैं। अगर वो टेम्परेचर नहीं आ रहा है तो हमें दोबारा से यूनिट चेक करने की ज़रूरत है। लीकेज के अलावा हमारा जो रेफ्रिजरेंट साइकिल है तो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक रेफ्रिजरेंट साइकिल दूसरा एयर साइकिल। यूनिट तो हमारा परफेक्ट है बट एयर डिलीवरी सिस्टम जो हमारे कोच में गर्म या ठंडी जो हवा जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो जब हमारे कोच में अंदर थ्रू डक्ट पैसेंजर कंफर्ट के लिए आनी है तो एयर डिलीवरी पैसेज में कोई लॉस नहीं होना चाहिए। अगर लॉस होगा तब भी लेस कूलिंग होनी ही होनी है। तो एयर डिलीवरी पैसेज में हमारे क्या क्या पार्ट्स हैं, उनमें क्या क्या फेलियर है, इस फोटो में दिखाया गया है डक्ट बॉर्न आउट और टॉर्न आउट। जब हमारा यूनिट ब्लोअर जब एयर को फेंकता है कोच के लिए उस डक्ट को यूनिट के साथ इस डक्ट के थ्रू हम जोड़ते हैं इस पैसेज को, अगर ये डक्ट हमारी फट गई है या गल गई है तो हमारा जो एयर का प्रेशर कोच के अंदर पहुंचना चाहिए उस प्रेशराइज वे में एयर नहीं जाएगी और एयर यहीं फैलना शुरू हो जाएगी। तो ये एक लेस कूलिंग को क्रिएट करेगा। दूसरा है कि हमारी डक्ट तो ठीक है लेकिन हमें ये गैप भी चेक करना है कि हमारा सिस्टम फुल पैक होना चाहिए। तीसरा है डक्ट शिफ्टिंग, जब यूनिट को हमने थ्रू एयर डक्ट जोड़ दिया कोच के साथ तो जो हमारी डक्ट है वो कोच की वॉल के साथ भी अटैच है, तो इस तरह का गैप उस जगह पे अगर आ जाता है तो भी हमारा एयर लॉस हो जाता है। यहाँ पे वीडियो है तो हम वीडियो में देख सकते हैं किस तरह की गैपिंग आती है वहाँ पे जिससे एयर पैसेज
एक्चुअली वीडियो शायद नहीं चल पा रहा है। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये एयर यूनिट हमारा एयर मतलब जो है डक्ट के थ्रू यहाँ जुड़ा हुआ है, लेकिन हम देखेंगे कि ये पार्ट भी डक्ट का पार्ट है जो इस पोर्शन में जुड़ा हुआ है। तो जगह जगह पे आप देखेंगे इस तरह की गैपिंग हमें देख मतलब हम यहाँ देख रहे हैं। तो जब ये गैपिंग यहाँ पे रहती है तो हमारे जो एयर कोच के अंदर पहुंचनी चाहिए, बट वो वहां ना डिफ्यूज होके ये रास्ते में ही डिफ्यूज हो रहा है हो जा रही है, जिसकी वजह से हमारा जो है सिस्टम ये लैच कूलिंग को क्रिएट कर रहा है। इस तरह के केसेस भी अगर रेगुलर हमारा मेंटेनेंस प्रॉपर हो रहा है, हमारा यूनिट ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी अगर कोच में प्रॉपर कूलिंग नहीं हो पा रही है तो हमें इस पॉइंट इस चीज को भी हमें अपने यूनिट में चेक करना चाहिए। अब बहुत सारे केसेस हम लोग जब ट्रेवल करते हैं, खुद भी ट्रेवल करते हैं, तो हम देखते हैं बहुत सारे कोचों में ना बारिश के टाइम पे वाटर ड्रॉपिंग हमें देखने को मिलती है। वाटर ड्रॉपिंग देखने को मिलती है तो इसमें भी एक वीडियो दिखाया गया है कि किस तरह से बारिश में कोच के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है और रेलवे पैसेंजर कंप्लेंट्स का सामना करता है। उस पैसेंजर मतलब इस कंप्लेंट को कैसे बचाया जाए तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे, बट हम एक बार ये वीडियो देख सकते हैं। तो वाटर ड्रॉपिंग दो तरह से हो रही है, वाटर ड्रॉपिंग तो हो रही है बट रीजन क्या क्या है। तो हमारे दो तरह के रीजन हैं, एक है डक्ट, तो ऊपर हमने अपने यूनिट को एयर डिलीवरी के लिए जो हमने कपड़ा लगा के उसको अपने कोच की डक्ट के साथ अटैच किया, जब वो कपड़ा फट जाएगा तो हमारा इस तरह से हमारा वाटर ड्रॉपिंग होगी कोच के अंदर, और ये इस तरह से कोच के अंदर वाटर ड्रॉपिंग होगी और पूरा हमें देखने को मिलेगा कि हमारा कोच जो है वाटर ड्रॉपिंग में है और प्रॉपर मतलब बहुत ज़्यादा पैसेंजर के कंप्लेंट्स का सामना करना पड़ता है। तो हम जो है अपनी डक्टों को एटलीस्ट जो हमारी ड्रैक्स होती हैं तो हम सीजन से पहले इनको चेक कर लें। दूसरा है ट्रक, हमारा जो यूनिट है वो हमने ट्रफ के ऊपर रखा हुआ है, तो ये ट्रफ है, अगर ट्रफ ही हमारी लीक कर जाएगी तो भी हमारा ये होगा। तो हम अपने काउंटर पार्ट को बोल सकते हैं कि भाई आपकी ट्रफ लीक हो रही है तो इसका रिपेयर किया जाए, रिपेयर हो जाएगा तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगी, पैसेंजर कंप्लेंट्स अपने आप रुक जाएंगी खुद ब खुद। यहाँ पे आप देख रहे होंगे साइड में छोटी सी बूंद गिर रही है, तो इस तरह से कोच के अंदर वाटर ड्रॉपिंग रहती है रेनी सीजन में। पावर सप्लाई फेलियर का पहला पॉइंट है ZS कपलर। तो हमारे कोच में फेलियर के दौरान जब हमने सप्लाई फेलियर हुआ तो हमने चेक किया कि हमारे रैचेट में ये हम यहाँ पे इसको लोकली गोटी बोलते हैं, इसमें ये पार्ट हमारा ओवर हीटेड है। यहाँ से हमारा सिंगल फेजिंग शुरू हो जाएगी। LHV में एक्चुअली हर उसको एक नाम दिया गया है, पॉइंट बनाया गया है 1 2, तो जिसपे 10 और 7 लिखा हुआ है ये हमारा सेफ्टी लूप की पिंस है। 5 ही लिखा गया है ये अर्थ है, और इसके अलावा ये 1 2 3 एंड न्यूट्रल। तो यहाँ पे हमारा जो है अगर ओवर हीटिंग हो गई है तो होगा क्या कि हमारे कोच में सप्लाई जो पहुँचेगी तो वहाँ पे हमने MMR लगा रखी है, या हमारे जो पार्ट न्यूट्रल के थ्रू चलने हैं उनमें हमें वो चल नहीं पाएंगे और हमारा एक फेलियर होगा, पैसेज कंप्लेंट्स भी होंगे। तो हमें टाइम टू टाइम अपने शेड्यूल्स के दौरान इन चीज़ों को चेक करना है। अगर हम चेक प्रॉपर करते रहेंगे तो इस तरह के हमें जो स्पॉट्स हैं ओवर हीटिंग मार्क्स हैं नहीं मिलेंगे। तो
इसी तरह से ये रैकेट है कपलर को कोच में सप्लाई देने के लिए, कपलर को रैकेट से कनेक्ट करते हैं। अगर हमारे कपलर में प्रॉब्लम आएगी तो हमें रैकेट के अंदर भी सेम पिन हमें जो है ओवर हीटेड मिलेगी। तो हमें अगर हमारा रैकेट या कपलर, जैसे तो हम जो हमारा एमरी पेपर है उससे क्लीनिंग करके अगर हमें लगता है कि ये ठीक है, नहीं तो हमें ये रिप्लेस करना पड़ता है, हम रिप्लेस कर देंगे। और भविष्य में अपने मेंटेनेंस के दौरान एक्शन टेकन, भविष्य में क्या रहे कि जिससे प्रॉब्लम्स आए ना आए, फ्यूचर में दोबारा से क्रिएट ना हो, उसके लिए हम अपने मेंटेनेंस स्ट्रेटजी चेंज कर लेंगे। इस तरह के फेलियर्स हमें सप्लाई में रैकेट और कपलर के, जेड एस कपलर के मिलते हैं। जी सर, रैकेट का ही है, यहाँ दिखाया गया है गोटी प्रेस्ड। यहाँ पे आप देखेंगे ये गोटी प्रेस हो गई है, अंदर को दब गई है, तो हमारी जो सप्लाई हमारे कोच में पहुँचनी चाहिए, कॉन्टैक्ट से प्रॉपर मेक नहीं होगा, तो सिंगल फेजिंग या हमारा सिंगल फेजिंग क्रिएट होगी और ओवर हीटिंग। अगर थोड़ा सा टच हो रही है, प्रॉपर टच नहीं हो पा रही है, तो वहाँ ओवर हीटिंग भी क्रिएट हो जाएगी। इस तरह का दूसरा फेलियर गोटी प्रेस हो जाती है, वो भी मिलता है हमें। तीसरा सप्लाई फेलियर है हार्टिंग कनेक्टर। हार्टिंग कनेक्टर हमारा जो सप्लाई, हम इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए, एसी इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए जो सप्लाई है वो पैनल के थ्रू रूफ पे जो हम पहुंचाते हैं, वो थ्रू हार्टिंग कनेक्टर के थ्रू पहुंचाते हैं। छत पे हमारे जो कनेक्टर्स हैं, जो प्लग है और सॉकेट है, इसको हार्टिंग कनेक्टर बोलते हैं। तो इस फोटो में आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से शॉर्ट हो गया है, तो हमने जब रिप्लेस किया तो हमने नया लगाया, बट ये शॉर्ट हुआ उसका कारण क्या है? इनक्रीज ऑफ मॉइस्चर और वाटर। इसके लिए हम पीयू सीलेंट, जब इसको प्लग एंड सॉकेट को हम प्रॉपरली लगा देते हैं, तो जो मतलब बीच में गैप है उसमें जो है मॉइस्चर या हमारा वाटर इनग्रेस ना हो पाए, इसके लिए हम प्यू सीलेंट, तीसरे फोटो में हमने मतलब ये है दिखाया गया है कि इस तरह से लगाने के बाद हम जो है प्यू सीलेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि इस फेलियर को अवश्य रोका जाए। क्योंकि एनएचबी टेक्नोलॉजी में अगर हमारा हार्टिंग फेल हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है, तो हम इक्विपमेंट को रनिंग में ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर डेस्टिनेशन पे या जहाँ ओएचई सप्लाई है तो हमें ओएचई कट चाहिए, तो वो एक बहुत बड़े फेलियर को क्रिएट करता है और मतलब ट्रेन ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कई स्टेशन इतने ज़्यादा बिजी हैं जहाँ ओएचई कट लेना बहुत टफ है। तो हम समर मतलब रेनी सीजन में, या हम कोशिश करते हैं कि जब भी हमें वर्क करना है, हार्डिंग को डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है, यूनिट चेंज करने के, रिप्लेस करने के लिए, जब भी हम हार्डिंग लगाएं तो हम उसके पीयू सीलेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे इस तरह का फेलियर क्रिएट ना हो। दूसरा, जब भी एक हम अपने एक मेंटेनेंस पॉलिसी बना सकते हैं कि जब भी हम जो है हार्डिंग कनेक्टर खोलेंगे या कोई भी वर्क करेंगे, तो हमें उस पे पीयू सीलेंट लगाना ही लगाना है, कोई भी सीजन हो सकता है, क्योंकि मॉइस्चर सर्दियों में या गर्मियों में कभी भी क्रिएट हो जाता है, जिससे इट इज़ ए वेरी हैवी फेलियर। ये जो जंक्शन बॉक्स है, इससे पहले ये है इंस्पेक्शन बॉक्स, इसे हम जंक्शन बॉक्स नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी वायर कनेक्ट नहीं होती, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई जॉइंट नहीं है। यहाँ पे जितनी भी वायर हमारी एसी पैनल के अंदर जा रही है, थ्रू रैचेट और रैचेट जंक्शन बॉक्स के थ्रू जो वायर हमारी कोच के अंदर, पैनल के अंदर जा रही है, वो इस बॉक्स के थ्रू जा रही है, जिसे हम इंस्पेक्शन बॉक्स बोलते हैं। तो इस इंस्पेक्शन बॉक्स में कई बार हमें इस तरह का फेलियर मिला है, जैसे हमारे जो रैक्स हैं
यहाँ पे इंसुलेशन कट बाई रैक, कई बार ये पंप पैनल ये पूरा ओपन रहता है, जब भी आप एलएचपी पैनल को देखेंगे तो कई बार चूहे एंटर हो जाते हैं, तो इस तरह से ये इंसुलेशन डैमेज कर देते हैं। तो हमें अपना D3 या SS1 शेड्यूल में इंस्पेक्शन बॉक्स प्रॉपरली चेक करना चाहिए कि कोई भी वायर का इंसुलेशन फेलियर तो नहीं हुआ है। अगर इस तरह का फेलियर होगा तो हमारे सप्लाई में प्रॉब्लम रहेगी। तो हमें इस तरह से अपने इस पॉइंट को अपने वहाँ के मेंटेनेंस शेड्यूल में अपना ऐड करना चाहिए, ऐड कर लेना है, जिससे इस तरह का सप्लाई फेलियर हमें ना मिले। डिस्कनेक्टिंग एंड अर्थिंग डिवाइस, डिस्कनेक्ट इसको अर्थिंग कैसे होती है? ये ठीक है कि ये एक रोटरी है, हमें जब भी पैनल में या रूफ पे जब भी काम करना होता है और हमारे पास मैन पावर ज़्यादा नहीं है, तो हम पूरा पैनल को रोटरी को ऑफ कर देते हैं। ऑफ होने के बाद ये रोटरी पूरे पैनल को, इलेक्ट्रिक सिस्टम जो सप्लाई सिस्टम है उसको अर्थ कर देती है, इसलिए इसका नाम डिस्कनेक्टिंग एंड अर्थिंग डिवाइस है। ये पूरा होल असेंबली है और इस असेंबली के अंदर ये रोटरी लगी हुई है, तो कई ये भी कहीं से अगर इस बॉक्स के अंदर ओपनिंग रहेगी तो हमारा रैट्स इसके अंदर पहुंच सकते हैं, पहुंचने के बाद ये रोटरी को शॉर्ट कर देंगे और पूरे कोच में सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, और उस समय हमारा कोई भी इक्विपमेंट नहीं चलेगा। रनिंग में इस रोड मतलब इसको खोल के करना काफी टाइम लगता है और एक अच्छी खासी बड़ी फेलियर होगी और पैसेंजर कंप्लेंट भी होंगी। तो हमें नॉर्मली जो ये वायर्स आ रही हैं डिस्कनेक्टिंग एंड अर्थिंग डिवाइस के अंदर, तो जो वायर्स आ रही है उसके आसपास जो गैपिंग है उस गैपिंग को हम क्लोज कर देंगे, प्रॉपर क्लोज रहेगी तो ना इसके अंदर चूहा पहुंच नहीं पाएगा, तो इस तरह का फेलियर नहीं होगा। इस तरह का फेलियर भी मिला है कि रेट नहीं है, फिर भी हमारी कुछ थिम्बल्स ओवरहीट हो गए, शॉर्ट हो गए, तो ये हमारा जो है मैटेरियल फेलियर भी हमें कई बार मिलता है यहाँ पे। तो हमें फर्म के साथ प्रॉपर जॉइंट बना के और हमें इन फेलियर को भविष्य में रोकना होगा, या फिर हम जैसे कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट हमने प्रॉपर नहीं किया हुआ है या हल्का कुछ भी इस तरह का है, तो इस तरह का फेलियर भी यहाँ मिला है कोचेज में, कि रोटरी जो है हमारी DND डिवाइस की रोटरी हमारी शॉर्ट हो गई इंटरनल। KVA ट्रांसफार्मर ये एक ओवरहीटिंग मास है, तो हमारा कॉमनली हम जब DT शेड्यूल करते हैं उसके अंदर हमें प्रॉपरली जो हमारे कनेक्शन है उनको टाइट करना होता है, चेक करना होता है, तो हम प्रॉपरली ड्यूरिंग ए मंथ अगर हम चेक करते रहेंगे, अगर मेंटेनेंस टीम हमारी बेटर है तो हमें इस तरह के सिम्टम्स हमें मार्क्स मिल रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारा जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या जिस शेड्यूल में ये चेक हो रहा था नहीं हो पा रहा है, तो 60 KVA ट्रांसफार्मर खराब होगा, तो हमारा कोच की सप्लाई डिस्टर्ब होगी और फेलियर क्रिएट होगा। तो हमें रूटीन मेंटेनेंस में ट्रांसफार्मर को प्रॉपरली चेक करना चाहिए, पूरा ओपन करके इसके कनेक्शंस टाइटनिंग, इवन SS1 में इसकी मैगरिंग सारे पॉइंट्स हम देखेंगे, तो इस तरह के फेलियर हमारे नहीं क्रिएट होंगे और ट्रबल फ्री ट्रेन ऑपरेशन हम कर पाएंगे। हम मेनली कई सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली
हमारा जो एसी यूनिट है, एसी यूनिट जो हमारा रन करता है, इक्विपमेंट खराब हो गया, लीकेज हो गई, और भी बहुत सारे जो फेलियर्स हमने यहाँ देखे हैं। उसके अलावा हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, एसी कंट्रोलर, ये एलएचबी का पैनल है जो साइड में दिखाया गया है, इसके इस पैनल के अंदर ये एक सीपीयू बोलते हैं हम यहाँ पे इसको, एसी कंट्रोलर है। पूरे इक्विपमेंट को लॉजिकली कैसे चलना चाहिए कि जिससे हम अपना प्री हीटिंग या प्री कूलिंग टेम्परेचर, हम पैसेंजर्स कंफर्ट, मतलब कोच को कंफर्ट जोन में क्रिएट कर पाए, उस टेम्परेचर को ला पाए, तो इसके लिए एलएचबी टेक्नोलॉजी के अंदर सीपीयू लगाया हुआ है। इसमें पैनल में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डिजिटल डिस्प्ले है जो इस सीपीयू से कनेक्टेड है। तो इस कंट्रोलर के अंदर जो भी फॉल्ट इन जनरल जो आ रहे हैं वो हम इस डिजिटल डिस्प्ले पे चेक कर सकते हैं। हमने जो टेम्परेचर सेट किया है, 7 सेट पॉइंट टेम्परेचर होता है, तो जो सेटिंग हमने की हुई है, 7.1 या 7.7 या 7.2, तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं और यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। अगर इस यूनिट में कोई प्रॉब्लम है, यूनिट में कोई प्रॉब्लम आती है और ये अंदर फॉल्ट का निशान, मतलब इंडिकेशन होता है कंट्रोलर का, बट इस पैनल पे भी एक लैंप लगाया गया है कि अगर फॉल्ट है तो हमें बाहर से ही पता चल जाता है कि हमारे यूनिट में कुछ फॉल्ट है। इसके बराबर में एक रोटरी लगाई हुई है, जैसे एसी ऑन ऑफ रोटरी, ये डीसी रोटरी है। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो हमारा ये सीपीयू की सप्लाई बंद हो जाएगी, डीसी सप्लाई, और हमारा यूनिट वर्क नहीं करेगा। इसके अलावा डीसी सप्लाई MCB 35 नंबर, एक्चुअली ये जो 35 नंबर MCB है, यही सप्लाई प्रॉपर हमारे इस सीपीयू को दे रही है। अगर ये ऑफ रहेगी तो हमारा यूनिट वर्क नहीं करेगा, डीसी सप्लाई नहीं जाएगी, कंट्रोल वर्क नहीं करेगा, हमारा कोई भी इक्विपमेंट रन नहीं करेगा। ये बहुत स्पेशल पॉइंट्स हैं कि हमारा यूनिट चलता कैसे है, एक माइक्रो प्रोसेसर या एसी कंट्रोलर उस यूनिट को चला कैसे रहा है। हमारा कंप्रेसर ऑन होगा, उस यूनिट का दूसरा कंप्रेसर कब ऑन होगा, कौन सा मोड चलेगा, किस तरीके से हमारे यूनिट को रन करना है, तो उन पॉइंट्स को देख के जो जो हमारे फेलियर्स हमें लगे, जो हमें मिले छोटे छोटे पॉइंट्स, वो हमने यहाँ, मतलब यहाँ लिखा है माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर बोथ एसी यूनिट, देयर फोर एनी डिफेक्ट ऑफ सीपीयू विल रिजल्ट इन सी एन ए सी और लेस कूलिंग। क्योंकि मतलब पूरा का पूरा हमारा कोच नॉन एसी हो सकता है या लेस कूलिंग हो सकता है, अगर कोई भी डिफेक्ट सीपीयू में आता है तो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज है सीपीयू, इट इज ए बैकबोन। अगर हमारा सीपीयू ठीक है तभी हम जो है अपना यूनिट रन कर सकते हैं प्रॉपर, इस यूनिट वर्क तभी कर सकता है जब हमारा सीपीयू ठीक है। अब इसका कुछ कॉमन पॉइंट्स, सम कॉमन पॉइंट्स टू बी चेक्ड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एसी यूनिट। नंबर 1, सेंसर, हमें पता अगर नहीं, कुछ लोगों का आइडिया है तो इसमें 7 सेंसर्स लगे हुए हैं, दो टू प्रोवाइडेड है फ्रेश एयर, टू रिटर्न एयर के लिए और दो हमारे सप्लाई एयर के लिए, ये 6 सेंसर्स हैं। और एक हाइग्रोस्टेट है, हाइग्रोस्टेट ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। एलएचबी टेक्नोलॉजी में कंट्रोलर ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करता है, 60 मोर देन 60% और लेस देन 60%। तो हमारा जो कंफर्ट लेवल है वो लेस देन 60% ह्यूमिडिटी पे वर्क करता है। तो हमारे 7 सेंसर्स हैं, प्लीज इम्पोर्टेंट रोल इन वर्किंग ऑफ सीपीयू। अगर और ये सेंसर एनटीसी सेंसर्स हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट पर वर्क करते हैं,
5K के सेंसर्स, हम वी आर यूजिंग 5K सेंसर्स, एनटीसी सेंसर्स। अगर कोई भी सेंसर खराब है तो हमारे यूनिट की वर्किंग, एसी यूनिट की वर्किंग डिस्टर्ब होगी और लैस कूलिंग या सीएनएसी में फेलियर क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा इट इज रिक्वायर्ड टू मॉनिटर क्लीनिंग ऑब्लिक टेस्टिंग देयर हेल्थ एज पर शेड्यूल, डी टू शेड्यूल। कैमटेक के द्वारा जो शेड्यूल बनाए गए हैं ड्यूरिंग डी टू शेड्यूल सर, ये एक हम क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा था। जैसे जो प्रॉब्लम जो प्रैक्टिकली आती है, जो सेंसर्स जो है ना सर, वो अलग अलग आरएमपीयू मेक के अलग अलग है। अब मेन दिक्कत ये सेंसर्स बहुत खराब हो जाती है, तो अंडर वारंटी कोच में तो कोई इशू नहीं रहता, आउट ऑफ वारंटी यस कोच में सर फिर सेंसर स्टोर में अपन कैसे क्या करें, आप लोग मतलब कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि स्टोर में भी अलग अलग मेक के, अगर स्टॉक आइटम भी, अगर स्टॉक आइटम तो है नहीं, और अलग अलग मेक के सर इन्वेंटरी किस तरीके से मैनेज की जाए? सेंसर क्या रिपेयर हो सकते हैं क्या? नहीं, सेंसर हम रिपेयर नहीं करते हैं, रिपेयरेबल नहीं है। तो ये सर आप प्रॉब्लम्स रहती स्टोर है। में इन्वेंट्री फिर हम लोग कैसे नॉन मैनेज स्टॉक में करते खरीदते हैं, तो नॉन स्टॉक में खरीदते हैं। सेंसर्स एक्चुअली इतना जल्दी खराब नहीं होते हैं। हमको? भी मोस्ट ऑफ सेंसर ये दिक्कत आ रही है कि हालांकि हमारे कोच अभी वारंटी में हैं सारे, तो हम लोग अभी इसी ऐसा इशू नहीं है क्योंकि वारंटी में रिप्लेस करवा लेते हैं, पर हम थोड़े से कंसर्न है कि अगर कोच आउट ऑफ वारंटी हो जाए। हमारे अभी एलएचबी अभी चालू हुआ है थोड़े टाइम से, तो अभी तो सारे ऑलमोस्ट वारंटी जी में जी है, जी पर आउट ऑफ वारंटी जब होंगे तो कैसे हम मैनेज करेंगे? क्योंकि स्पेशली दिक्कत देखिए, यही मैं होती है सारे, टेक्निकली, हाँ ज्यादा बिल्कुल, मैं माइक्रो बताता हूँ प्रोसेसर सर। खराब हो रहे हैं या सेंसर खराब हो रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर भी हालांकि स्टॉक आइटम है, बट वो रिक्वायर्ड मेक का नहीं मिल पाता, जो स्टोर से मिलता है वो इस ऑलरेडी जो लगा हुआ है उसमें सेट नहीं हो पाता। नहीं, ऐसा नहीं है, सारे सेंसर्स नॉर्मली लग जाते हैं हमारे। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है कि कुछ जोन्स में, कुछ मतलब इंडियन रेलवे कुछ जोन्स में या कुछ डिविजन्स में हमने उसको स्टॉक कर रखा है, कहीं हमने नॉन स्टॉक कर रखा है। अगर जहाँ स्टॉक या नॉन स्टॉक सप्लाई आ रही है उसके साथ हम सेंसर्स ले सकते हैं, नहीं तो हम सेंसर्स की नॉन स्टॉक डिमांड भी बना सकते हैं। दूसरा, अभी हमारा जैसे वर्किंग की बात करें तो हमें, मैं यही बताना चाह रहा था यहाँ पे कि किस तरीके से हमें सेंसर, अगर सेंसर हमारे खराब हैं फिर भी हमें यूनिट को रन करना है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें ट्रबल फ्री सर्विस प्रोवाइड करनी है। जैसे अभी कोरोना पीरियड में बहुत सारा सप्लाई जो होना था, मैं नई दिल्ली में हूँ तो मेरे अभी सेंसर बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। रीजन क्या है कि हमारे अंडर वारंटी कोचेज हैं नहीं। 90 सन ईयर 2000 से यहाँ पे एलएचबी चल रहा है, तो मोस्ट ऑफ द कोचेज आउट ऑफ वारंटी है। तो सेंसर्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एलएचबी में यूनिट को चला, मतलब यूनिट को प्रॉपर चलाने के लिए। तो सर जैसे सेंसर नॉन स्टॉक में जो सेंसर, मान लीजिए कोई भी फ्रेश एयर सेंसर है या रिटर्न एयर वाला सेंसर है, तो वो सब तरह के आर मतलब सिडवाल वाले मेक के आरएमपीयू में भी लग जाएगा, अमित में भी लग जाएगा, लील में भी लग जाएगा, या यस फिर यस ये स्पेसिफिक हमको इंडेंट डालने पड़ेंगे अलग अलग मेक के? नहीं, अलग अलग मेक के नहीं, एक ही हम सेंसर्स लेते हैं तो वो कहीं भी प्रोवाइड हो सकता है। इसमें दो ही चीजें हैं कि जो डिजिटल डिस्प्ले है वो सेम मेक का होना चाहिए, कंट्रोलर प्लस डिजिटल डिस्प्ले, जो मैंने अभी पिछले लास्ट फोटो में दिखाया था कि वो ऐसा प्रॉपर वर्किंग में नहीं आ पाएंगे। अगर हम सिलवाल के साथ A4 का अगर हम डिस्प्ले लगा रहेंगे तो प्रॉपर मतलब वो काम नहीं करेगा। तो सेंसर का हम लगा सकते हैं, मतलब देखिए सेंसर कोई हाईवे भी से इतना मेक के क्लियर कहीं नहीं भी लगा आता। सकते हैं, अगर आरएमपी और माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोल पैनल अगर बिल्कुल सेम मेक के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि। और दूसरा, सेंसर्स में भी यहाँ पे मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सेंसर्स में भी हमें क्या क्या चेक करना है कि दो रिटर्न लेयर के सेंसर्स हैं, तो जो दो रिटर्न के सेंसर्स हैं अगर एक सेंसर खराब भी होता है, देखिए हमने छह छह सेंसर्स लगाए, हाई ग्रेड शिफ्ट को अभी एक पार्ट हम अभी छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि दो फ्रेश एयर सेंसर हैं, दो रिटर्न एयर हैं। हमारा स्पेक कहता है कि एवरेज ऑफ बोथ सेंसर्स, RT1 रिटर्न एयर को हम RT1 बोलते हैं, RT1 एंड RT2 दोनों का एवरेज लेने के बाद ही कंट्रोलर वर्क करेगा। अब अगर इस पीरियड में अगर हमारा एक सेंसर खराब भी है इन केस, तो
हमारे दूसरे रिटर्न एयर सेंसर जो दूसरे एंड पे लगा हुआ है उस टेम्परेचर को मॉनिटर काउंट करके हमारा कंट्रोलर वर्क करेगा। बट अगर दोनों ही खराब है तो ये हमारा इमरजेंसी मोड शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो सर, डीपी एक शेड्यूल में जो सेंसर हम सही है, उसने मान लीजिए सेंस किया 20 डिग्री सेल्सियस, और एक सेंसर सेम उसी का जो पेयर है वो खराब है, तो क्या कोच ये ज्यूम बिल्कुल करेगा कि 20+0 का एवरेज तो 10 हो गया? नहीं 10 नहीं 20। फिर वहां एटीन पे प्लस वो जीरो डिवाइड दूसरे बाई टू तो 10 हो सेंसर जाएगा। का टेम्परेचर लेकिन लेगा नहीं ना, वो जो इन्होंने मतलब जो इन्होंने लॉजिक बनाया है वो 20 डिग्री पे वर्क करेगा। एवरेज इन केस ऑफ दो टू आर वर्किंग हेल्दी। बोथ आर वर्किंग हेल्दी देन कंट्रोलर टेक एवरेज। बट इन केस दोनों ऑफ सेंसर खराब है तो सेंसर प्लांट डंप मतलब है। ऑटोमेटिक पे ऑन ही नहीं होगा। हाँ अगर बोथ सेंसर खराब है तो हमारा ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होगा और वो फ्रेश का टेम्परेचर लेगा। इसका पूरा स्टैक है, ये एक्चुअल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जब आप स्टैक के अंदर जो आप लॉजिक पढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्लियर आइडिया हो जाएगा, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि नया है सिस्टम, अभी कोचेज आए हैं तो स्टैक के जब पढ़ेंगे तो सर हमारा ये सारा प्लीज आप कुछ स्पेक इसमें शेयर इंक्लूड कर है। देंगे सर प्लीज, एक्चुअल में क्या है हम भी नया नया ही सीख रहे हैं। अभी मैं अपना नंबर आपको दे दूंगा, आप आपके नंबर पे मैं स्पेक्स सेंड कर दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर। ये है क्या कि एक्चुअल हमें थोड़ा सा इसका गो थ्रू होने का होने की जरूरत है। धीरे धीरे हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो अगर ठीक हमारे हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फेलियर्स नहीं होते हैं। तो हमें ये डीटू शेड्यूल में इसकी क्लीनिंग प्लस इसके सेंसर्स की हेल्थ हमें चेक करनी है। नंबर 3, एंश्योर 35 नंबर एमसीवी इज स्विच्ड ऑन। सबसे पहला जब हम हमें लग, हमें एज ए एसएससी हमें पता चल रहा है कि हमारे कोच का प्लांट ऑन नहीं है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि 35 नंबर एमसीवी ऑन है या नहीं है। अगर कंट्रोल एमसीवी ऑन नहीं है तो हमारा यूनिट ऑन नहीं होगा। इसके अलावा हमें चेक करना है कि 110 वोल्ट डीसी सप्लाई इन कंट्रोलर आ रही है या नहीं आ रही है। सप्लाई हमें चेक करनी है 110 वोल्ट डीसी। इसके लिए जो दूसरे तीसरी है मैंने रोटरी वहाँ पे फोटो में दिखाई गई थी, एसी ऑन ऑफ स्विच इसका टेक्निकली पैनल में ये इसका दिखाया गया है। डिस्प्ले के बराबर में फॉल्ट लैंप लगा हुआ है, एसी ऑन ऑफ रोटरी यहाँ प्रोवाइड की हुई है, तो हमें हमेशा इसको ऑन पोजिशन पे रखना है। तब बैक उसी स्लाइड पे हम जाएंगे। इसका टेक्निकली हमें स्पेक में भी या हम ड्राइंग बनाएंगे तो वहाँ इसका नाम है U4S1। अगर हम इस जब भी पैनल को ओपन करेंगे तो बैक साइड में जो हमारा नॉर्मल क्लेचर है एसी ऑन ऑफ स्विच का वो U4S1 है। तो ये हमेरा हमेशा हमें इट इज कैप्ट ऑन। ये फॉल्ट ये डिजिटल डिस्प्ले और ये मतलब दिखाया गया है यहाँ पे। 6 पॉइंट है, एंश्योर दैट फॉल्ट इंडिकेशन लैंप इज नॉट ग्लोइंग। हमें यूनिट मतलब पैनल खोलने से पहले ही हमें पता चल जाएगा कि फॉल्ट है। जब हम कंट्रोलर की इस इंडिकेशन चेक करेंगे तो वहाँ हमें प्रॉपर फॉल्ट पता चलेगा कि एलपी है या एचपी है या हमारा कोई टीओपी किसी भी मोटर का वर्क नहीं कर रहा है, तो वो हम मतलब कर लेंगे। लेकिन बट ये छोटे छोटे पॉइंट यूनिट को खोले बगैर मतलब पैनल खोलने से पहले ही हमें एंश्योर करने हैं। तीसरा, जब हम सारा चेक कर लिया और हमें पता चला कि फॉल्ट है तो हम सबसे पहले 3 चीज़ें चेक करेंगे अपने सीपीयू को। सीपीयू के अंदर जो इंडिकेशन दिए हुए हैं उनमें 3 पॉइंट्स देखना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोलर ओके, अगर कंट्रोलर ओके का इंडिकेशन फ्लो नहीं कर रहा है इट मीन्स हमारे ब्लोअर्स रन करेंगे। पहले जो स्टैक था एलएचबी टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे जो एग्जॉस्ट फैन थे वो भी हमारे कंट्रोलर के थ्रू चलते थे, बट लेटेस्ट स्टैक जब से आया है
तो हमारे एग्जॉस्ट विदाउट सीपीयू चलते हैं, मतलब हम एमसीबी ऑन करेंगे एग्जॉस्ट फैन टॉयलेट के अंदर प्लस पैंट्री एरिया जहाँ जहाँ एग्जॉस्ट लगा रखे हैं वो सारे चलेंगे। तो हम कंट्रोलर ओके का इंडिकेशन देखेंगे कि हमारा सारा केवल ब्लोअर चल रहा है, बाकी सारे इक्विपमेंट नहीं चल रहे हैं, तो ये कारण हो सकता है कंट्रोलर ओके का तो इंडिकेशन ना आ रहा हो। सुनिए, हाँ जी बोलिए। हेलो हेलो, दूसरा पॉइंट है एयर कंडीशन ऑन, ये इंडिकेशन नहीं आ रहा है। इट मीन्स हमारा जो बाहर रोटरी लगी हुई है एसी ऑन ऑफ रोटरी, अगर हमने वो स्विच ऑन नहीं की हुई है तो ये इंडिकेशन ऑन नहीं होगा। और जब हम अंदर इस स्पेक को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एयर कंडीशन ऑन रोटरी, एक तो ये इंडिकेशन नहीं आएगा, उसके अलावा भी कई जगह जो कंट्रोल सप्लाई हमारी जानी है, पहुंचनी है, वो नहीं पहुंच पाएगी। और तीसरा है 400 वोल्ट ओके, 400 वोल्ट ओके का इंडिकेशन हमारा थ्रू LTMMR आता है, हमारे पैनल के अंदर दो MMR लगाई हुई है, HT MMR और LTMMR। HT MMR 750 के सर्किट में है, मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिले बोलते हैं इसको, ये फेज टू फेज वोल्टेज चेक करता है प्लस फेज रोटेशन चेक करता है। LTMMR सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में, जब LHB टेक्नोलॉजी आई थी तो उसमें HT MMR तो थी बट LTMMR प्रोवाइडेड नहीं थी। तो LT सप्लाई में कहीं सिंगल फेजिंग हो जाती थी तो हमें नहीं पता चलता था कि सिंगल फेजिंग है, एक बहुत बड़ा फेलियर क्रिएट होता था रनिंग में। इसके लिए यहाँ पे LTMMR प्रोवाइड की गई। LTMMR अगर हमारी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है या कहीं सिंगल फेजिंग हो रही है तो हमारा 400 वोल्ट ओके का इंडिकेशन नहीं आएगा। और इफ दीज थ्री इंडिकेशन विल नॉट ग्लो देन यूनिट विल नॉट स्विच ऑन और यूनिट विल नॉट वर्क। तो हमें ये भी पॉइंट जरूर चेक करने हैं एनी टाइम अगर कोई फेलियर क्रिएट होता है। सम अदर पॉइंट्स टू नो, माइक्रो प्रोसेसर सेल शट डाउन द एसी यूनिट इन द फॉलोइंग कंडीशन, इफ सप्लाई एयर टेम्परेचर गोज बिलो 5 डिग्री और गोज अबव 85 डिग्री। सप्लाई एयर टेम्परेचर जो ब्लोअर के थ्रू मिक्स्ड एयर, फ्रेश एयर, रिटर्न एयर, कूलिंग कॉइल के बाद मिक्स्ड होके जो कोच के अंदर आ रही है थ्रू ब्लोअर, अगर ये टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री और 85 डिग्री मेजर होता है, सप्लाई एयर सेंसर हमारा कंट्रोलर को बताएगा, इंडिकेशन भेजेगा, तो उस केस में हमारा ये माइक्रो प्रोसेसर इस यूनिट को शट डाउन कर देगा, कोई भी इक्विपमेंट नहीं चलेगा। अगर पूरा का पूरा इक्विपमेंट नहीं चल रहे हैं तो ये पॉइंट भी हमें चेक करते हैं कि कहीं इस तरह का तो नहीं है कि टेम्परेचर, जैसे गर्मियों में कुछ हमारे समर सीजन का कुछ एरियाज हैं जहाँ फ्रेश एयर वहाँ का टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा होता है, उस केस में अगर फ्रेश एयर जो 70-30 का रेशियो रखा गया है अगर वो हाँ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स ये हैं कि कई बार लगता है कि यार दूसरा कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ, बट यहाँ पे अब देखेंगे बोथ कंप्रेसर कैन नॉट स्टार्ट एट ए टाइम, ये एक यूनिट की बात चल रही है, एक कोच में दो यूनिट होते हैं, ये एक यूनिट की सिंगल यूनिट की बात चल रही है। बोथ कंप्रेसर कैन नॉट स्टार्ट एट ए टाइम, फर्स्ट कंप्रेसर ऑफ ईच यूनिट विल स्टार्ट आफ्टर 30 सेकेंड फ्रॉम स्विचिंग ऑन ऑफ एयर कंडीशनिंग स्विच। जब हम एयर कंडीशन को ऑन करेंगे तो पहला कंप्रेसर 30 सेकेंड बाद स्टार्ट होगा एंड सेकेंड कंप्रेसर विल स्टार्ट आफ्टर ए डिले ऑफ 5 सेकेंड। एयर कंडीशन ऑन किया हमने तो पहला कंप्रेसर 30 सेकेंड बाद और सेकेंड कंप्रेसर 35 सेकेंड बाद ऑन होगा।
कंप्रेसर हैज बीन स्विच्ड ऑफ इट विल नॉट बी स्टार्टेड बिफोर 5 सेकेंड इवन इट इज रिक्वायर्ड. अगर किसी भी कारण से हमने ये अपने आप ये ऑफ हो गया, कंप्रेसर ऑफ हो गया, तो ये 5 सेकेंड से पहले स्टार्ट नहीं हो सकता किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए. सर नेक्स्ट स्लाइड. इक्विपमेंट विल बी ब्लॉक परमानेंटली इफ इट इज ट्रिप्ड थ्राइस इन ए आवर. तो लॉजिक कंट्रोलर में है, वो लॉजिक ये कहता है कि एक बार कंप्रेसर इंटरनल ट्रिप हुआ या कोई भी फॉल्ट एक बार आया, तो कुछ टाइम डिले के बाद वो दोबारा ऑन हो जाएगा. बट अगर यही फॉल्ट 3 बार नोटिस में आता है कंट्रोलर की, तो वो इक्विपमेंट परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा. सर अभी आप जैसे पूछ रहे थे इफ ऑल टेम्परेचर सेंसर्स आर डिफेक्टिव, ये सेफ्टी है कि हीटिंग मोड शुड नॉट बी वर्क, क्योंकि हीटर जब चलते हैं तो बहुत सेफ्टी की जरूरत होती है, क्योंकि आग लगने का खतरा रहता है, कोचों के अंदर स्मोक आने का खतरा रहता है. तो कोई ट्रेजेडी या कोई एक्सीडेंट ना हो, तो कंट्रोलर के अंदर एक लॉजिक है कि इफ ऑल सेंसर्स आर डिफेक्टिव हीटिंग मोड विल नॉट शुड नॉट वर्क. शुड नहीं, विल नॉट वर्क, काम हीटिंग मोड स्टार्ट नहीं होगा. इसके बाद ये मोड के बारे में बताया गया है, इमरजेंसी मोड. इन दिस मोड बोथ एक्चुअली जो कंट्रोलर की वर्किंग है वो 3 या 4 मोडों में बांटी गई है. तो इमरजेंसी मोड क्या है? इन दिस मोड बोथ ब्लोअर एंड एग्जॉस्ट फैन विल वर्क इफ द रेफ्रिजरेंट सर्किट फेल्ड फॉर एनी रीजन और माल फंक्शन विद द कंट्रोलर. अगर कोई भी दिक्कत है, अगर पूरा पूरे इक्विपमेंट वर्क नहीं कर रहे, रेफ्रिजरेंट साइकिल में कोई भी दिक्कत आ गई है, तो हमारे ब्लोअर्स एंड ब्लोअर्स न्यू स्पेक के हिसाब से एग्जॉस्ट फैन तो नॉर्मली रन अपने आप करता है जब हम उसे ऑन कर देते हैं, दोनों ब्लोअर्स हमारे रन करेंगे इमरजेंसी मोड में भी. दूसरा है हम हाइग्रोस्टेट. हमने जो हाइग्रोस्टेट अभी सेंसर 7 सेंसर पड़े थे, तो उसमें एक हाइग्रोस्टेट था. तो हाइग्रोस्टेट जो लगाया गया है, तो इट मीन्स इट इज जो इसके अंदर मोड है वो डिह्यूमिडिफिकेशन मोड है. नॉर्मली जो हमारी ह्यूमिडिटी ग्रेटर देन 60% हो जाती है, तो डिह्यूमिडिफिकेशन मोड वर्क करता है. दिस मोड विल स्टार्ट इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एबव 60 डिग्री एंड रिटर्न एयर टेम्परेचर इज बिलो सेट पॉइंट. व्हाट इज सेट पॉइंट? डिजिटल डिस्प्ले से हमने जो अपने 7 सेट पॉइंट हैं, तो सेट पॉइंट हमने सेट कर दिया. अगर हमारा रिटर्न टेम्परेचर जो दोनों रिटर्न एयर सेंसर का टेम्परेचर है वो बिलो सेट पॉइंट चला जाता है और साथ में हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से कम हो जाती है, तो ये मोड डिह्यूमिडिफिकेशन मोड स्टार्ट हो जाएगा. इस मोड के अंदर 1 कंप्रेसर 1 कंडेंसर एंड 1 हीटर विल बी ऑन. हीटर विल बी स्विच्ड ऑफ आफ्टर 3 मिनट्स एंड विल रिमेन ऑफ फॉर फर्दर 5 मिनट्स. आफ्टर 5 मिनट्स साइकिल विल बी रिपीटेड इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज रीज अप टू 60%. अगर हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से कम नहीं आती है, तो ये हीटर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा और डिह्यूमिडिफिकेशन मोड विल वर्क टिल कंडीशन अचीव. तो ये डिह्यूमिडिफिकेशन मोड था. अब हम बात करेंगे नो वाटर. ये अक्सर प्रॉब्लम आती है नो वाटर. सबसे पहला है वाटर पंप डिफेक्टिव, तो वो हम
अपने मेंटेनेंस में चेक करेंगे कि वाटर पंप डिफेक्टिव है, नॉर्मल सी चीज है। अब ज्यादातर कोचों में वाटर पंप लगे हुए हैं। पाइपलाइन चोक मैक्सिमम जगह पे मेंटेनेंस में एक प्रॉब्लम आती है कि सीएनडब्ल्यू के जो सुपरवाइजर है वो कहते हैं कि नहीं भाई आपका पंप नहीं चल रहा है इसलिए पानी नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे कॉमन बात जो फेलियर आज तक जितने हुए नो वाटर के, उसमें दो पॉइंट्स और भी है। नो वाटर फ्रॉम टैंक, पाइपलाइन चोक एंड नो वाटर इन टैंक। एलएचपी के अंदर जो टैंक है, बहुत से लोगों ने देखा होगा बट नहीं देखा है, तो टैंक जहाँ से पानी आ रहा है, जहाँ से वाटर की डिलीवरी होनी है, उस जगह पे एक फिल्टर लगा हुआ है। अगर वो फिल्टर चोक हो जाएगा तो भी टैंक से पानी नहीं आएगा। और दूसरा है, टैंक में पानी ही नहीं है, तो हमें जब नो वाटर की प्रॉब्लम आ रही है तो बोथ सुपरवाइजर्स विल शुड चेक प्रॉपरली कि टैंक में पानी नहीं है, या टैंक से पानी नहीं आ रहा है कि फिल्टर चोक है, या उसमें कोई कचरा फंसा हुआ है। तीसरा, पाइपलाइन भी चोक हो सकती है। उसके बाद चौथा तो पॉइंट आता है जो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, वाटर पंप डिफेक्टिव। तो अगर हमारा पंप डिफेक्टिव नहीं है या उसकी एफिशिएंसी कम पुअर नहीं है, तो हमें ये तीन पॉइंट्स भी चेक करना है। दूसरा, एलएचपी के अंदर हमें ये ध्यान रखना है, कई जगह पे वो फिल्टर जो टैंक के अंदर लगा हुआ है वो निकाल दिया जाता है, क्योंकि शायद कई जगह पे ये स्टॉक आइटम नहीं है, या मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम आती है तो हम निकाल देते हैं। बट वो फिल्टर निकलने के बाद जो हमारे पंप्स हैं वो भी बहुत जल्दी खराब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तो जो फिल्टर है वो जो वहाँ कचरा है या जो भी चीज़ें इस तरह की हैं, वो सीधे सीधे आके पंप की सील को हार्म करते हैं। दूसरा, अगर पंप ठीक है तो जो पाइपलाइन है उसको भी चोक करते हैं। तो हमें ये इंश्योर करना है कि टैंक के अंदर वो फिल्टर लगा हुआ है। तो ये नो वाटर मेरे लिए चार या चार पॉइंट ही हैं जो नो वाटर इन कोच का फेलियर क्रिएट करते हैं। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? एक मेरा क्वेश्चन था पचौरी साहब, जैसे कि मैंने अभी इनटेक का लाया है ये RMPU और माइक्रो प्रोसेसर बिल्कुल उन्होंने सिडवाल का दे दिया है, तो क्या वो सेट हो पाएगा ना उसमें? हो जाएगा, कोई भी माइक्रो प्रोसेसर किसी भी कोच में लग सकता है। अच्छा सर अच्छा अमित मेक के माइक्रो प्रोसेसर में दिक्कत आती है, अमित वाले जो RMPU है उनमें नहीं लग पाते, मतलब जो है हमारे साथ भी ये दिक्कत आती है। हमारे रिसेंटली स्टॉक करवाए हैं हमने माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन स्टोर से जो माइक्रो प्रोसेसर मिलते हैं वो अमित वाले प्लांट में नहीं हो पाते। तो ऐसा कुछ है स्पेसिफिक के लिए, स्पेसिफिक ही होना चाहिए। अभी तक मैं यहाँ जो देख रहा हूँ ऐसा स्पेसिफिक यहाँ नई दिल्ली में तो नहीं है। हम कोई भी माइक्रो प्रोसेसर कहीं भी लगा रहे हैं। जो दिक्कत है, अगर हम देखें तो जो मेनली दिक्कत आती है वो आती है कि वर्किंग चेंज हो सकती है। जैसे अभी जिस स्पेक पे हमारा काम करना चाहिए, अगर वो नया है तो नए स्पेक में आएगा। इस तरह की प्रॉब्लम तो यहाँ नहीं आई है अभी तक कि हमें वही माइक्रो प्रोसेसर चाहिए। स्पेक तो सर हर उसके लिए सेम है। तो इनकेस आप लोग मेरा नंबर नोट करना चाहें, मैं कर रहे कृष्णा जी। एक चीज और आपसे राय लेना चाह रहे थे, जैसे ये जो डिह्यूमिडिफिकेशन वाला या ह्यूमिडिफिकेशन वाला मोड है, इसके अंदर जो है अपना हीटर का MCB ऑन रखने का प्रावधान है, तो सर क्या यस ये एक मतलब प्रैक्टिस को फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि हीटर उसमें हमेशा ऑन ही रहेंगे, तो इन केस अगर कोई सेफ्टी बायपाई है तो मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी देखा है कि हीटर को ऑफ करके रखते हैं, तो सर क्या किया जाना चाहिए उसमें? मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये मतलब जो जो आप कह रहे हैं ना कि
हम लोग इतना डरे हुए हैं, या हमारा जो बल्कि वर्किंग एनवायरनमेंट है, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर हीटर की एमसीबी लोग बंद ही रखते हैं कि भाई हीटर चलेगा, कहीं कोई मतलब स्मोक या कहीं कोई इस तरह का फायर केस ना हो जाए, क्योंकि तो एक जो डर है, उस डर की वजह से ये एमसीबी हम लोग बंद रखते हैं। बट अगर हम प्रॉपर मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो ये जो हमारा स्पेक जो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हमें सारी एमसीबी अपने यूनिट की हर टाइम ऑन रखनी है, और हमें रेगुलरली उसके डेटा को नोट करना है। डेटा डाउनलोड करके हम अपने कंप्यूटर में या कहीं भी चेक कर सकते हैं, प्रिंट निकाल के, कि हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, हमारे हीटर की जो सेफ्टीज हैं, हमें सेफ्टीज का ध्यान रखना है। एक्चुअली हमारी सेफ्टीज अगर प्रॉपर वर्क कर रही हैं, तो कोई भी केस नहीं हो सकता है। तो हमें अपना सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। ESCI है, इसके अंदर ESCI है, वो सबसे पहली तो कंडीशन है कि हमारा कंट्रोलर ठीक होना चाहिए। अगर कंट्रोलर ठीक होगा, तो वो हीटर सप्लाई को वैसे हीटर कॉन्ट्रेक्टर को वैसे ही ऑफ कर देगा। हमारा कंट्रोल नहीं जाएगा, हमारा कॉन्ट्रेक्टर ऑपरेटिव ही नहीं होगा, तो हीटर ऑन नहीं होगा। दूसरा है हमारे सेंसर्स। अगर हमारे सेंसर्स प्रॉपर वर्क कर रहेंगे, तो हमारा जो टेम्परेचर नोटेड होगा कोच का, रिटर्न का, या जो भी टेम्परेचर लेना है कंट्रोलर को, तो वो भी प्रॉपर होगा। तो कंट्रोलर उस प्रॉपर इक्विपमेंट को नहीं चलाएगा। तीसरा है OHP। OHP अगर वर्क कर रहा है, तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर 65 डिग्री से ज़्यादा बढ़ता है, उस चैम्बर का जहाँ हीटर है, वहाँ पे अगर 65 डिग्री से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देगा और कॉन्ट्रेक्टर हमारे हीटर का ऑफ हो जाएगा। और अगर ये भी सेफ्टी, थ्री लेयर सेफ्टी है हमारी, अगर ये भी वर्क नहीं कर रहा है, तो आप देखें हमारा ऊपर जो है लगा है ESTI बॉल, 130 डिग्री से ±5 डिग्री पे ये अपने आप बॉल फट जाएगा। तो जो हीटर की सप्लाई है, थ्री फेज सप्लाई है, वो भी बंद हो जाएगी, तो हीटर स्विच ऑफ हो जाएगा। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि हमारा ब्लोअर प्रॉपर चल रहा है, क्योंकि आज की डेट में हमें जो है MPCVs लगानी है। अगर हमारी MPCV हमारी ठीक है, तो भी हमारा ब्लोअर नहीं चल रहा है, तो हीटर को सप्लाई नहीं जाएगी। जो हमारा कंट्रोल है, जो हीटर कॉइल को ऑपरेट कराने के लिए जो हमारा कंट्रोल है, वो MPCV के साथ एक जो है मतलब वो क्या लगा है ना, थ्रू MPCV वो कंट्रोल जा रहा है। अगर MPCV डाउन है ब्लोअर की, तो भी हमारा हीटर नहीं चलेगा। तो हमारी अगर सेफ्टीज प्रॉपर हैं, तो इस तरह का केस नहीं है। हमें मतलब सारी एमसीबी हमेशा ऑन रखनी चाहिए, तभी हमारा मतलब LHB में जो हमें एक मतलब प्रॉपर वो दिया कि सारे इक्विपमेंट चलेंगे, ऑटो में चलेंगे, तो हमारा वर्क प्रॉपर होगा, हमारी कंप्लेंट कम होंगी, और जो LHB टेक्नोलॉजी का फायदा है, एडवांटेज है, वो तभी मिल पाएगा। एक सर डाउट हीटर की कॉइल का भी है। जैसे पुराने जो RMPU थे उनमें तो अलग अलग मेक के, जैसे फेडर के अलग आते थे, सिडवाल के अलग आते थे। हाँ, ये अभी जो प्रॉब्लम है, ये LHB में प्रॉब्लम है। जो तो LHB में जो हीटिंग कॉइल है वो सर सारे ब्रांड मतलब एक ही तरह की आती है या इसमें भी अलग अलग तरह की है? नहीं, अलग अलग तरह की आती है, अलग अलग तरह की आती है। ये चीज है कि हम अगर सिद्धवाल का प्लांट है, तो उसकी कॉइल्स कुछ और हैं, हीटिंग कॉइल, और अगर अमित का है, तो वो डिफरेंट हो सकती है। इवन जो अपन हीट फिर असेंबली है, जो सीट है, स्टोर पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सर कैसे इसको मैनेज किया जाए? या तो सबके स्पेयर NS आइटम इंडेंट डाल के किए जाएं या कैसे क्या मैनेज करें, क्योंकि सर स्टोर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्चुअली प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं आपको जो है ना अलग से बता पाऊंगा, क्योंकि स्टोर में एक्चुअली मैं स्टोर नहीं देख रहा हूँ यहाँ का। हमें एक्चुअली मिल जाती है यहाँ पे, तो मैं अपने स्टोर इंचार्ज से ये डिस्कशन करके आपको क्लियर या करूँगा। सर आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपके आपके भी नंबर आप अवेलेबल करवा दीजिएगा, और जो आपके स्टोर देखते हैं उन SSC सर के भी, ताकि क्या है कोई भी जो छोटे मोटे बिल्कुल डाउट्स हैं जो सबके लिए शायद रिलेवेंट नहीं होंगे, बिल्कुल स्पेसिफिक बिल्कुल डाउट्स हैं, मैं फ़ोन पर डिस्कस कर लूँगा उनसे। बिल्कुल। हिमांशु जी, आप कहाँ पे हैं कोशिश? सर मैं उदयपुर सिटी कोचिंग डिपो में हूँ, अजमेर डिवीजन NWR, हिम्मत सिंह सर हूँ मैं। स्टोर भी देख रहा हूँ, मेंटेनेंस दोनों चीज़ अरे हमारे यहाँ से। एक्चुअली में LHB अभी नया ही आया है, तो अभी आइटम भी इतने स्टॉक नहीं है, और नॉन स्टॉक भी सर हम जो रिक्वायर्ड अननेसेसरी वही बट मतलब इन्वेंट्री में इकट्ठे भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अभी दिक्कत रहती है। अभी तो क्या अंडर तो वारंटी है बिल्कुल तो काम आपको चल रहा है हमारा। मिलेगी,
बिल्कुल हेल्प मिलेगी आपको। वहाँ पे एक एसएसपी है महेंद्र चौहान जी, अजमेर या कोटा डिवीजन में, कोटा में है शायद। हाँ, अच्छा कोटा में होंगे, हाँ कोटा में होंगे। अच्छा तो वो भी हमारे यहाँ से ट्रांसफर होके गए हैं, तो वैसे सर आपके वहाँ पे बहुत हेल्प। अशोक सर हैं? अशोक, अशोक निजामुद्दीन में है शायद, शायद। हाँ जी उनसे सर, वो भी सर काफी हेल्प करते रहते हैं सर। आपके भी सर आप प्लीज नंबर शेयर कर दीजिएगा आपके और एसएससी स्टोर के, तो जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे सर, सर सर के पास नंबर है, आपको वहां से मिल जाएगा। बाकी जी सर, जी सर, आप नोट करना चाहें तो मेरा नंबर है जी सर, 9717 जी 63 6002, 9717636002। अनुपम पचौरी। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, जब भी हेल्प की जरूरत पड़े आप मुझे कॉल कर दें। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। एनी अदर डाउट? अनुपम साहब, एक चीज पूछना था, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? क्या वो कंप्रेसर में जो इंटरनल ट्रिप का है एक फॉल्ट और एक ओपन सर्किट, इसको कैसे निगोशिएट करते हैं? यस सर, नॉर्मली थ्री फेज के जो आइटम्स हैं ना, हमारे जितने भी इक्विपमेंट हैं, ओपन सर्किट आप जब भी चेक करेंगे इलेक्ट्रिकली, तो एक फेज एक वाइंडिंग या दो वाइंडिंग हमें मिलती हैं जो ओपन है। कभी मतलब हमें ऐसा नहीं मिला कि तीनों के तीनों वाइंडिंग ओपन मिली हो, बट जब हम उस समय वाइंडिंग चेक करेंगे, रेजिस्टेंस चेक करेंगे, तो हमें तीनों की तीनों वाइंडिंग हमें ओपन मिलेंगी। अगर तीनों की तीनों वाइंडिंग ओपन है तो इट मीन्स इट इज इंटरनली ट्रिप। दूसरा, कई बार यहाँ प्रैक्टिकली किया गया है कि अगर कंप्रेसर इंटरनल ट्रिप है और टाइम हमारे पास बहुत कम है ट्रेन डिपार्चर में, तो हम अगर उसके ऊपर वाटर डालते हैं, पानी डालते हैं, तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है और वो ओपन मतलब ना होके वो बर्क करना शुरू कर देता है। तो ओके अगर बार बार इंटरनल ट्रिप हो रहा है तो हमें कंप्रेसर रिप्लेस कर देना चाहिए, कि उसकी रिले खराब, जो बायोमेट्रिक रिले है वो खराब हो चुकी है। क्योंकि अगर बार बार इंटरनल ट्रिप हो रहा है तो बायोमेट्रिक रिले खराब है, नहीं तो हमारी वर्किंग में प्रॉब्लम है। जैसे सिंगल फेजिंग कहीं हुई है, या हमारा कंप्रेसर पहले ऑन हो गया, कंडेंसर हमारे ऑफ रहे, उस केस में भी हमारा इंटरनल ट्रिप हो जाएगा कंप्रेसर। ओके। दूसरा, बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कंडेंसर, अब कंडेंसर मोटर है, कैसे मतलब इंटरनल ट्रिप होने के चांसेस क्या क्या है? हमने कंडेंसर मोटर लगाई, बट कंडेंसर मोटर का जो फैन है वो लूज हो रखा है, तो प्रॉपर कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा। या हमारे कंडेंसर मोटर है लो आरपीएम की लग गई, तो उसके आरपीएम प्रॉपर नहीं है, तो कंडेंसेशन वहाँ भी मतलब प्रॉपर नहीं हो पाएगा। दूसरा, उसका सेफ्टी वाल्व ओपन हो रहा है, इवन ड्राइव जो हमारी जो एक पॉइंट छूट रहा है, चोकिंग, दो तरह की चोकिंग है, एक एयर चोकिंग है। अगर एयर चोकिंग है, जैसे कंडेंसर चोक पड़ा हुआ है, तब भी हमारा कंप्रेसर इंटरनल ट्रिप होगा। दूसरा, ड्राइव चोक हो गया तो हमारा वो चोकिंग है, जिसे हम एक्चुअल चोकिंग बोलते हैं प्रैक्टिकली। नहीं तो उसके अलावा अगर हमारा, यहाँ इंटरनल ट्रिप होगा या फिर जो है एचपी के कारण, जो है एचपी कट ऑफ के कारण कंप्रेसर ट्रिप करेगा ना जी। सर एक होगा एचपी, एचपी और चोकिंग में मतलब बहुत ज्यादा हम वो नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल एचपी हाई प्रेशर, उसका प्रेशर बढ़ेगा, एक कंडीशन आएगी जिसके बाद वो इंटरनल ट्रिप हो जाएगा। ओके। एचपी बढ़ेगा तो वो थोड़ी थोड़ी देर में ट्रिप होगा, बट एचपी बढ़ते बढ़ते, एक तो एचपी किस वजह से बढ़ रहा है कि कंडेंसेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, लेकिन बैड चोक वाली कंडीशन में इंटरनल ट्रिप भी हो सकता है वो एट लास्ट। इसीलिए कंडेंसर की क्लीनिंग प्रॉपर जो है टाइम टू टाइम हम हर शेड्यूल में मंथली, एक मंथ में एक बार होनी चाहिए नॉर्मली। लेकिन कुछ एरिया जैसे हैं जो नॉर्थन एरिया है, इस टाइम पे जैसे अभी जो सीजन आएगा मार्च के बाद, तो जैसे गेहूं की कटाई हो रही है, तो वो जो डस्ट उड़ रही है उस डस्ट पे भी हमारा जो कंडेंसर बहुत जल्दी चोक होते हैं, लेकिन कुछ एरियाज में ऐसा नहीं मिलेगा। तो केमटेक मैनुअल के हिसाब से भी महीने में एक बार जो हमारा
आरडीएसओ की स्टैक है उसके हिसाब से महीने में एक बार हमारा कंडेंसर कूलिंग कॉइल साफ होने ही चाहिए, क्लीन होने चाहिए प्रॉपर। स्पेक के हिसाब से जो तरीका है उस तरीके से हम क्लीन करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होंगी। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें। पचौरी साहब से या फिर सेशन क्लोज करते हैं क्या? ओके, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू पचौरी साहब, थैंक यू आपने सर। बहुत अच्छा और ओके थैंक यू इंटरेक्टिव सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक एंड सर, यू सर।